बच्चे। चलिए आज हम आपको पॉलिनोमियल बताते हैं। टेंथ क्लास का डिस्कस है, काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी बच्चों की स्पेस में कि सर कोई टेंथ क्लास का भी वीडियो बना के डाली जाए। चलिए टेंथ क्लास से स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। वैसे तो ये आप कंपटीशन के स्टूडेंट्स को भी उतना ही प्रेफर करेगा जितना टेंथ क्लास को है। चलिए पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, क्या क्या किसको पॉलिनोमियल कहते हैं, हमको वो समझना है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि आप पढ़ते होंगे कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट क्या होता है, यानी जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, शॉर्ट में ही देखूँगा मैं, फिक्स्ड वैल्यू हो वो कॉन्स्टेंट कहलाता है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती हो, वो इसी क्वेश्चन में कुछ और दे रहा है, आगे कुछ और दे रहा है, तो वो वेरिएबल कहलाता है कि फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट विल बी चेंज। तो ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है इसकी। तो अब स्टूडेंट्स हम आपसे बात करते हैं, आगे देखिए क्या होता है कि वेरिएबल यानी जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, जैसे कि आप पॉलीनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं या कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसमें एक्स वाई जेड इन सब की वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है ना डियर। तो उस चीज़ को हम बात करेंगे, जब इन दोनों को एक एक्सपेंशन में लिखा जाता है तो वो कहलाता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर में देखिए, लेट हमने माना कि पी एस इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ये आपका कोई एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब आपको ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल है तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी वो पॉलिनोमियल कहलाए, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं। तो चलिए लेट्स बी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है, देखिए वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स का जो एक एक्सपेंशन मिलता है उसको एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। वो एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है इसका डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जरा कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको आप फॉलो करेंगे। जैसे अगर आपको इफ एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर हैज नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर एट वेरिएबल दैट इट इज नॉट बी ए पॉलीनोमियल, तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना गाइस। यानी एक एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, अगर वो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर रखता है वेरिएबल का तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट कैन बी, अब इसको देखो वेरिएबल हमारा क्या है, इट हैव पावर ऑफ टू, ये वेरिएबल कितना है एक्स है, उसकी पावर कितनी है वन एंड कॉन्स्टेंट टर्म इट आंसर देयर, तो ये पॉलिनोमियल है। इसको हम क्या लिखेंगे, हाँ जी ये पॉलिनोमियल है। अगर मान के चलिए कोई एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर सच दैट हम लिखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई, तो जरा देखेंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर है एक बटे दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही फ्रैक्शनल पावर बनेगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि देखेंगे ये नॉट पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। समझे होंगे आपके पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है, आपको केवल नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर चेक करना है, आप पॉलिनोमियल बता सकते हैं। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अक्सर बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे जरा देखेंगे कि अगर मैं मान के चलिए मैंने पी एच इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स टू दिया तो क्या एक पॉलिनोमियल है डियर स्टूडेंट, बताइए। x प्लस वन ओवर एक्स मैंने लिखा है तो ये पॉलिनोमियल है, चेक कर एक्स प्लस, मैं इसकी पावर एक्स प्लस वन, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो एक्स
प्लस एक्स की पावर माइनस वन होगी। नेगेटिव पावर निकल आता था, नेगेटिव पावर तो पॉलिनोमियल में आती नहीं है, तो ये दे रहा है नेगेटिव पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल नेगेटिव आर नॉट ए पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो पॉलिनोमियल में कुछ है क्या क्या। धन्यवाद, आप खुश रहें, तरक्की करें, मुस्कुराते रहें, बढ़ते रहें। ओके।